A very warm welcome, guys. This is Yojana, and y'all are watching SK Live, your time, your news. And with me in the studios today, we have CA Manisha Agarwal, who's also the president of Lions Club of Siliguri Citizens Crown. A very important thing to be discussed. Well, wo kya hai? वो ज़रूर मैं बताऊंगी, बट पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ मनीषा जी को. मनीषा जी, वेरी वार्म वेलकम. थैंक यू योजना, थैंक यू फॉर कॉलिंग. आफ्टर प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग, फाइनली वी कुड मीट अप टुडे, एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू कि आप हमारे साथ स्टूडियो पे आज है. एंड हमारा मकसद इस शो का ये है कि अब बजट is already out, तो किस तरह से बजट गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको पेश किया है और आम जनता के लिए क्या क्या है और क्या नहीं है. पहले तो छोटी एक लाइन में बता दीजिए कि हमारे जनरल जो व्यूअर्स है उनको भी पता चले कि बजट क्या है, बजट का अर्थ क्या है हिंदी में. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर. मिस सीतारामन जी ने जब हमारा बजट के बारे में जब बोला था तो उनकी एक पंक्तियाँ थी जो मैं उनको कोट करना चाहूँगी. वो रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियाँ हैं. फेथ इज़ द वर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स इवन व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क. हमारा ये बजट बिल्कुल इस लाइन को बिल्कुल सही मानता है, क्योंकि अब हम आम आदमी जो हैं, हम लोग बजट के दिन सबके सब टीवी के सामने लगे हुए रहते हैं. अरे बजट आने वाला है, हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ आने वाली है. बजट आने वाला है, बहुत फ़ायदे की चीज़ आने वाली है. एंड आफ्टर 3 hours ऑफ वॉचिंग द बजट हमारे हाथ क्या लगा? हमारे यहाँ क्या लगा? लॉलीपॉप. अरे अब 2 घंटे बीत गए हैं, अब जाके सो जाओ, कुछ समझ में तो आया नहीं है. बिल्कुल. बट क्या हाथ लगा? फेथ ये कि 1 साल बाद जब हम बजट देखेंगे तो कुछ और अच्छा मिलेगा. ओनली द फेथ. ठीक है, बट जोक्स अपार्ट अगर हम, आपने जैसे क्वेश्चन किया बजट क्या है, बजट बेसिकली हमारी कितनी आमदनी होती है और हमारा खर्चा क्या है, तो इसके तालमेल को जब हम बिठाते हैं ना कि हमारी आमदनी और हमारे खर्चे को, तो उसको हम बजटिंग बोलते हैं. हम आम, आप भी गृहिणी हो, मैं भी गृहिणी हूँ, और अगर हम बहुत आम आदमी के शब्दों में बोलेंगे तो हम कितने कमाते हैं, हमारा इतना खर्चा होना चाहिए, इतनी हमारी सेविंग्स होनी चाहिए, इतना हमारा ये काम में लगने वाला है, तो हम बाइफर्केट करते हैं उसको डिवाइड करते हैं. हम लोग तो डिवाइड में भी क्या होता है, जो हमारा खर्चा भी होता है, जो स्पेंडिंग्स हम जो कहते हैं, तो अगर हम बहुत छोटे स्केल में आते हैं, घर के में आते हैं, तो हम सोचते हैं आज हम टीवी खरीद लेते हैं, आज हमको घर का रेनोवेशन करना है, हमें आज ये करना है, छोटी छोटी ज़रूरतें जो डेली नीड्स के होते हैं, राशन का सामान, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ये तो हमारी घर की बातें हो गई. जब हम ये मैक्रो लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे लेके आते हैं, मतलब हमारे जीडीपी के अपने इकोनॉमिक लेवल में, तो हम इसको बजट बोलते हैं, यूनियन बजट जो हमारे इंडिया के लिए होता है. तो उसमें क्या होता है? हम बात करना चाहेंगे जो हमारे सिलीगुड़ी के व्यूअर्स है, जो हमारे नॉर्थ बंगाल के व्यूअर्स है, जो हमारे आम जनता है, द जनरल पब्लिक के लिए, उसके लिए क्या है और उसको मद्देनजर रखते हुए. एंड लास्ट ईयर जो कोविड के वजह से जितना भी लॉसेस हुआ है, राइट, तो गवर्नमेंट ने किस तरह से उनको कॉम्पनसेट किया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या दिया है. हम लोगों को क्या दिया है, आपने ये क्वेश्चन जो लाइन किया है ना, हम लोगों को क्या दिया है, ये जो है, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो मेन हाइलाइट्स है अपने बजट के, वो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगी. ओके, सो सीतारामन जी ने जब दिया तो उन्होंने ओवरऑल थीम रखा इस बजट का, ईज ऑफ लिविंग. यानी कि ईज ऑफ लिविंग मतलब आप जो जिस तरीके से लिव करते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत आसान, सिंपल सा होना चाहिए, सिंपल सी जिंदगी,
हर चीज में सिंप्लिसिटी. जैसे हमारा जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब आया, जीएसटी जब आया, तो उन्होंने कहा वन टैक्स वन रिटर्न. पर वो वन टैक्स वन रिटर्न कितना रहा, आज हम चार साल में 2017 में जीएसटी आया था एंड हम चार साल में हम सब समझ गए कि सेल्स टैक्स अच्छा था ना, जीएसटी अच्छा था. वी डोंट नो जीएसटी जहाँ के वही है या वन वन टैक्स वन रिटर्न. तो वन टैक्स एंड वन रिटर्न है ना, और ज़्यादा बढ़ गई है अभी तक हम. आई थिंक मैं तो एज अ प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, हमारा तो काम बहुत बड़ा है मनीषा जी. मैंने भी ये मतलब बहुत सारे एनालिसिस पढ़ा बजट के बारे में, तो मुझे भी लगा और एनालिस्ट को भी ये पता चला है कि उनको बजट कुछ समझ भी नहीं आया. तो हेल्थ एंड सैनिटेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी राइट. हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए. हेल्थ एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट कहती है हमने 64,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं अपार्ट फ्रॉम कोविड. कोविड के लिए उन्होंने 37,000 करोड़ एंड 64,000 अप्रॉक्स अमाउंट बोल रही हूं, ओनली फॉर हेल्थ. नो, आई एम टॉकिंग ऑल इंडिया, पैन इंडिया. तो 64,000 करोड़ इज फॉर हेल्थ एंड 37,000. सो टोटल मिला के जितना आता है वो कहती है 137% इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर के हिसाब से. बट अगर हम कंपेयर करते हैं 137% इंक्रीज लास्ट ईयर के हिसाब से, उसमें तो आपने कोविड वाला ऐड कर दिया है फिगर 37,000 करोड़. तो आपने कोविड वाला फिगर अगर ऐड कर दिया है, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड के लिए तो हर एक नेशन स्ट्रगल किया है, उसके गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो कौन हेल्प करेगा. गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड इन टाइम्स ऑफ नीड. सो हाउ इज इट कि 137% इंक्रीमेंट हुआ. तो वो रोज ही यू नो बड़ा बड़ा फिगर दे देते हैं, बड़े बड़े फिगर्स कि हम ये करेंगे एंड 5 years डाउन द लेन हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. आप एक साल के लिए बजट बनाते हो तो 5 years डाउन द लेन की क्यों तैयारी रहती है, लास्ट ईयर के ही कंप्लीट नहीं हुए हैं. लास्ट ईयर जो बजट में जो आया था वही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके एक्सपेंडिचर अब हो रहे हैं. 2 साल पहले 2019 में जो उसकी एक्सपेंडिचर अब स्टार्ट हो रहे हैं. तो अभी जो आपने 137% का प्रोजेक्शंस दिया है, हमने 137% इंक्रीज दिया है, तो ये क्या है, तो ये किसके बेसिस किस बेस पे दिया बेस है? पर उन्होंने क्या किया है तो उनके हम जल पर स्वस्थ क्लीन वाटर बींग प्रोवाइडेड टू ऑल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का पानी शुद्ध जल के ऐसा. एंड देन अगेन उन्होंने क्या किया है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में हेल्थ में इंक्रीमेंट होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल में हम सारे के सारे उनके सैलरी इंक्रीज होना चाहिए या उन लोगों के क्या इंक्रीज होना चाहिए. ये अभी मॉडल्स अप्रेंडी नहीं निकल के आया, वो मोडालिटीज अभी निकल के नहीं, बस इतना ही निकल के आया है कि हम 64,000 करोड़ रुपीज स्पेंड करेंगे. वो स्पेंड कैसे करेंगे वो मोडालिटीज अभी नहीं निकल कर आई है. उसके बाद में एजुकेशन पर आते हैं. एकदम ऊपर 100 न्यू सैनिक स्कूल्स टू बी ओपनड. अब सैनिक स्कूल्स का मतलब क्या हो गया आप समझ सकते हैं, मिलिट्री स्कूल्स एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस टू बी वेरी क्लियर. अब ये इस बात समझ में नहीं आ रही है, इसकी भी मोडालिटीज पूरी तरह से क्लियर नहीं है. 100 न्यू स्कूल्स में आपके ये विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो अब ये सोचने में आ जाइए कि मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है क्या प्राइवेट सेक्टर देगी, ये क्लियर नहीं. वो तो गवर्नमेंट का काम है ना. एंड अगर सपोज स्कूल की एजुकेशन पे बात आते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे बात आते हैं, तो उसमें एनजीओस का क्या रोल है, हाउ लाइक इसकी मोडालिटीज क्या होनी है, ये क्लियर नहीं आ रही है कि हाउ आर एनजीओस. कहीं ना कहीं कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि मे बी प्राइवेट कंपनीज जो होती है दे आर फोर्स्ड लाइक बाय लॉ दे हैव टू लाइक बोलते हैं ना सी एस करना पड़ता है, कॉरपोरेट सेक्टर रिस्पॉन्स सी एस आर एक्टिविटीज करनी पड़ती है. सो उसके अकॉर्डिंगली सिंस दे हैव टू रोल आउट सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एज सी एस आर एक्टिविटीज, तो उस सी एस आर एक्टिविटीज दोज आर रूटेड थ्रू एन जी ओज. तो मे बी वो 100 स्कूल्स का जो खर्चा है वहाँ से दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से निकलो वहाँ. तो अल्टीमेटली फिर आप अपने में क्यों ले रहे हो, आपके अपने स्पेंडिंग में क्यों. तो ये तो मनीषा जी ये तो सीधा हो गया ना कि गवर्नमेंट ने दिखाया कुछ और है और हाँ, कर रहा है कुछ और. तो ये क्लियर नहीं आ रहा कि 100 न्यू स्कूल्स कहाँ से ओपन हो रही है. अगेन 750 ये लघु एकलव्य स्कूल्स खुलेंगे. अब एकलव्य से आप समझ सकते होंगे एकलव्य का मतलब क्या है, कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग जो बोलते हैं ना, कि ट्राइबल एरियाज में जो यूथ है उनको हम आगे उनके स्किल के हिसाब से उनको आगे हम लाना चाहते हैं. दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट
जॉब्स के लिए नहीं जाए, आप अपने स्किल्स पर, तो जॉब्स ही नहीं है, तो वही तो वो बोल रही है ना, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप जॉब्स पर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो ट्राइबल पीपल, ट्राइबल यूथ जो है वो बोलता है जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो, वो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? जॉब तब क्रिएट होगा ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ पैसे लगाने से नहीं होता है ना, तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो somehow अब वो गवर्नमेंट क्या कहती है, हम एकलव्य स्कूल खोलेंगे। एकलव्य स्कूल का मतलब हो गया वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स, जहाँ पर उन स्टूडेंट्स को, उन यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट दे कैन डू दे ओन सम आर्ट्स और समथिंग, फॉर एग्जांपल पॉटरी, खुद का अपना स्टार्टअप कर सके स्मॉल स्केल में, 10,000 रुपये महीना, 20,000 महीना, आप स्टार्टअप करो एंड देन टेक इट टू अ न्यू लेवल, बिकॉज ऑब्वियसली ट्राइबल एरियाज, विलेज एरियाज में वी हैव जो कि हैंडलूम थिंग्स एंड ऑल दोज आर यू नो कहीं ना कहीं गुम हो रहे हैं, विलेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज दे आर लाइक, तो ट्राइबल एरिया, पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया का फॉर पेंटिंग बहुत बहुत नोन है, बोले ये पेंटिंग तो बहुत सुंदर है, तो पीपल फॉरेन कंट्रीज वो देखते हैं कितना सुंदर है एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट, तो वो जो लुप्त हो रही है ना उसको वापस लाना चाह रही है, तो इसी कारण से 750 एकलव्य स्कूल खोलेंगे, पर वो ऑन द ग्राउंड कितना पॉसिबल है ये तो अब आगे 5 साल के बाद ही, आज आप बुला रहे हो, 5 साल के बाद हम फिर वापस जब निष्कर्ष करेंगे एनालिस तब मालूम पड़ेगा वो 750 एकलव्य स्कूल कितना अच्छा हो, ठीक है। दूसरा अगर हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ठीक है निर्मला जी ने कहा कि बहुत अच्छा कि हम स्पेंडिंग करेंगे, यू नो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब कहा व्हाट इज़ बजट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम तो है, पहले तो ये बताइए इनकम कहाँ से, इनकम कहाँ से, इनकम कब आता है, जनरली पब्लिक से जो टैक्स में लेती है वो इनकम है, या फिर वो लोन में किसी को पैसा देती है बाहर बाहर, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज एन इनकम फॉर द, ठीक है, गोल्ड कहीं दिया तो उसका, तो दिस इज द वे रेवेन्यू। आज हमारे 75 इयर्स होने को आ गए हमारे, बट हम पूरी तरह से अभी तक फिस्कल डेफिसिट से बाहर नहीं आए, आज भी हमारी जीडीपी नेगेटिव में ही जाती है, हमारी जीडीपी जो है नेगेटिव में, -7.5 चल रहा है, 9.5 गवर्नमेंट ने कहा है, सीतारमन जी ने कहा है कि नहीं हम लोग इसको करेंगे उल्टा 2.5% की इंक्रीमेंट लाएंगे, 6.8% तक आएगा, ठीक है वो बोलती है एंड रोजी रोजी फिगर्स दिखते हैं, सभी एनालिस्ट का अलग अलग रहता है, बहुत सारे हमसे ज़्यादा समझदार इकोनॉमिस्ट भी है कहते हैं, बट बात ये है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एक्सपेंसेस लगाते हो, पैसा कहाँ से आया, जब उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स ऐसे लिए हैं कि टैक्स कॉरपोरेट लेवल का टैक्स कम कर दिया, जहाँ 30% 35% जहाँ होता था उनको 25% के ले आए, तो उनका टैक्स जो उन्होंने कम किया उनको खुश करने के लिए बोलेंगे, बट उनका ये गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप और ज़्यादा कंपनीज फॉर्म करिए और ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट डालिए तो हम आपको टैक्स कम करेंगे अगर आप डालते हो, टैक्स वहाँ से कम होता है तो हमारी तो इनकम फॉरगॉन हो रही है, तो इनकम आएगी कहाँ से, इसके लिए उन्होंने क्या किया है दैट कैपिटल एसेट्स बेच रहे हैं, आपने सुना है। अब आप बताइए सोने की मुर्गी जब आती है घर में तो आप मुर्गी का जो अंडा है उससे आप काम चलाते हैं ना, मुर्गी को काट के सारे अंडे निकाल के काम में लेते हो। मुझे वही लगा लाइक ठीक है अच्छी बात है जो कि काम नहीं आ रहे हैं, जो एसेट्स काम नहीं आ रहे हैं, जो बेकार है उनको हटा दो या फिर उन हाथों में दे दो जो उनको यूज करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेलवेज की जो रेलवेज की लैंड है वो बेकार है, इनफैक्ट उनको इंक्रोच किया जा रहा है, कई लोग इंक्रोच करके अपना घर बना लेते हैं, फिर बोलते हैं परमानेंट, हम तो यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, ये तो हमारा ही घर हो गया है, तो इंक्रोचमेंट हो रही है ना, तो उनको अगर आप बेचती है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट बेच कर पीपीपी मॉडल आपने सुना होगा, पीपीपी मॉडल इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस मॉडल के तहत वो प्राइवेट को दे देती है, प्राइवेट ओनरशिप्स को, एंड देन उन लोग कुछ काम निकलवाते हैं एंड उससे इनकम स्टार्ट होती है, इट्स अ गुड थिंग, मॉल बने, कुछ भी बने, कुछ भी उस जगह का यूज़ होकर उसके रोजगार शुरू होती है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। बट अगर आप सारी की सारी जैसे कि अभी LIC को भी उन्होंने कहा कि डिसइन्वेस्ट कर देंगे, LIC कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट देती है, तो LIC को भी प्राइवेटाइज कर देगी, एंड IDBI बैंक, काफ़ी सारे बैंक्स तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो गए हैं, जो थोड़े बहुत जो बच्चे हैं जो नेशनलाइज बैंक उनको भी अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा देन व्हाट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, सब कुछ तो प्राइवेट हाथों में आ गया, सब कुछ प्राइवेट हाथों में आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन करने का उनका मकसद क्या है?
आई थिंक प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 14th में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि सिर्फ गवर्नमेंट अगर सरकारी हाथों में रहेगा पूरा सेक्टर सरकारी हाथों में रहा स्लो एंड स्टडी. देखो एक बात है, हम लोग बोलते हैं ना अरे सरकारी नौकरी लग गई अब तो सिर्फ 10 से 5 जाना है हो गया हमारा. देखिए ये टेंडेंसी रहती है, ठीक है. अरे प्राइवेट सेक्टर में काम करता है पूरा दिन खटना पड़ता है, ये टेंडेंसी रहती है. वो अलग बात है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है सरकारी आदमी को भी काफ़ी काम करना पड़ता है. दे हैव बिकम नाउ मोर अकाउंटेबल, उनको ज्यादा वर्क. आप सिर्फ 10 से 5 जाते हो वहाँ जाके गप्पे उप्पे मार लेते हो या खाना पीना कर लेते हो एंड जी हुजूरी कर लेते हो, नहीं फिर भी आपको काम दिखाना पड़े. वॉट वर्क, बिकॉज नाउ डेज आपकी जो सैलरी होती है वट एवर इट इज नॉट फॉर योर मंथली, इट इज अबाउट हाउ मच वर्क यू हैव आउटपुट, हाउ मच आउटपुट यू आर गिविंग. तो जो मोदी गवर्नमेंट सरकार का ये बोला था इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट इट्स अबाउट गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब कि आप क्या आउटपुट देते हो. आप यहाँ बैठे हो बैठ कर सिर्फ बक रहे हो या फिर अच्छा कुछ बोल रहे हो कुछ काम कर रहे हो, आपने क्या काम किया उसके बारे में बताइए. तो काम दिखा रहे तो दैट इज, तो हम जब बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या आगे बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट लेना है एम्प्लॉयमेंट करना है, तो एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी जो करते हैं तो बोले फ्री हो जाते हैं. तो जो आपने कहा ना कि रीज़न क्या है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, अब प्राइवेट प्राइसेस रहेगा तो लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एंड दे हैव टू वर्क हार्डर. सो उनका था तो वो, बट प्राइवेटाइज कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन हो जाना दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक देश शुड बी, नहीं नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन है, मुमकिन है बट देन खतरे की घंटी है. कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कि प्राइवेट हाथों में सब कुछ चला गया तो आज आम आदमी कहाँ रहा. आम आदमी तो प्राइवेट लोगों के वो बोलते ना कि उन पर निर्भर हो जाएगा आम आदमी, पर आम आदमी से ज्यादा आई थिंक वो हम लोग बोलते हैं ना कि लोअर लेवल की पीपल उनको कौन देगा. बीपीएल तो वो बात हो जाती है. फिर जैसे इस बजट में ना जैसे हम आम आदमी की बात करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हाई कॉरपोरेट लोग उनको बहुत फ़ायदा हुआ आई बिलीव, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोल आउट किया है हाईवेज, चार चार हाईवेज के बारे में बहुत सारे हाईवेज की बात की, इन पर्टिकुलर केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल एंड आसाम सारे पोल बाउंड स्टेट्स हैं. पोल बाउंड स्टेट्स के लिए ना हाईवे का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया. तो आप इलेक्शन नहीं है तो ठीक है ना, अच्छी बात है. हम बंगाल से हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है. बट इस समय अनाउंस करना तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि ये वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, इसके पीछे क्या दिमाग में है. तो ये सिर्फ ना गवर्नमेंट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करते, हम अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में भी आते हैं तो उनके भी जो बजट होती है उनके भी जो स्कीम्स निकल के आते हैं वो इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए ही उनके निकल के आते हैं. उन वो जो बजट बनी हुई है राइट दैट इज एक्चुअली dependent on the elections, क्योंकि elections आ रहे हैं to some extent. No, let's be very honest. let's be very honest कि उसने elections को मद्देनजर रखते हुए ही अपना budget पेश किया है. मगर जो losses हुई है, जैसे कि मैं खुद पर्सनली मैं बोल सकती हूँ, जैसे लास्ट ईयर 2020 में जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में अपना जॉब खोई है राइट, दे लॉस्ट द जॉब्स, वो अपने घर से निकल के कितने सालों तक बाहर सिटीज पे रह रहे थे, वो लोग इनफैक्ट सेटल हो गए थे वहाँ पर, मगर कोविड के वजह से इस पैंडमिक के वजह से वो लोग को वापस आना पड़ा राइट. एंड टिल नाउ अभी तक, अब वैक्सीनेशन आ चुकी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन द फ्लोर, एवरीथिंग इज रोलिंग आउट, बट अभी तक भी एक भी कंपनी किसी को वापस बुला नहीं बुला रही है. वो क्यों? वो इसलिए नहीं बुला रही है बिकॉज एक तो जब बोलते ना कि आपने निकाल दिया है, नाउ द कंपनीज विल वॉन्ट ओनली दोज पीपल हु आर एक्चुअली रियली वेरी गुड एंड हु विल डिलीवर. नाउ इट इज द थिंग इज दैट कि अगर आपको डिलीवर नहीं कर सकते हो ना वॉट यू आर, तो आपको काम नहीं मिलेगा. हम बोलते हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, गवर्नमेंट रिजर्वेशन की बात भी करेगी सब, बट एवरी वेस्ट थिंग कि अगर आपको काम आता है, अगर आप में काम है, अगर आप में हुनर है, तो आपको हर कोई आपको चला के बोलेगा कि मेरे पास काम करो. पर अगर आप में हुनर नहीं है तो देखिए गवर्नमेंट कितना भी हेल्प करे, कोई भी कितना भी हेल्प करे, आपको सस्टेन नहीं कर सकता. इसीलिए ना कहीं ठीक है ये गवर्नमेंट का ये जो हम बोलते हैं ना ये जो बजट है बहुत रोजी है, बहुत सुंदर है, पर कहीं ना कहीं एक हिंट दे जाता है जो मैंने कहा ना कि फेथ
फेथ तो रखना चाहिए हम लोग को, लेकिन अल्टीमेटली अपनी खुद की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप में इतना इंटेलिजेंस नहीं, हार्डवर्क, आप में इतनी खुददारी होनी चाहिए कि आप अपना काम ऐसा करो मतलब लोग बोले हाँ इस बंदे को बुला लो काम हो जाएगा, अरे ये काम करना इस बंदे को बुला लो काम हो जाएगा इन एनी सेक्टर. आप मेक इन इंडिया जो स्किल, जो मोदी कहीं ना कहीं, आई एम अ फैन ऑफ हिम ऑल्सो बिकॉज कहीं ना कहीं वो बोलते हैं आप अपने आप को इतना सेल्फ रिलायंट कर लो दैट पीपल आस्क कि अरे ये इस बंदे में तो बहुत कुछ है, इसको आता है, इसको बुला लो. कैमरा का काम है, बहुत अच्छी फोटो आएंगी, इस बंदे को बुला लो, बहुत अच्छा काम कर लेगा. फोटो शूटिंग का काम ये बहुत अच्छा कर लेगा. तो कोई भी सेक्टर हो, आप अपने स्किल के हिसाब से, आप अपनी रुचि के हिसाब से एक ऐसा काम पकड़ो ताकि वो उसमें आप डेवलप हो सको. तो ये सारे 700 वो तो एकलव्य स्कूल वगैरह, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं ठहरा सकते. एग्जैक्टली मैं आपको ये बोलती हूं, क्योंकि रिस्पांसिबिलिटीज हमारे ऊपर भी बनती है. ये ना मैं बहुत बार ये कोट्स मैं करती हूँ ना, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, कर्मों की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं मिलेगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होगा. ये ना जो बात है ना, अपने हिस्से का दिया, मतलब इसका मतलब आपको खुद को ही एनलाइटनमेंट रखना होगा कि हमें काम करना है, काम ऐसा कि लोग बोले हाँ इस बंदे को बुला लिया तो काम हो जाएगा. सीए के फील्ड में भी अगर हम बोलते हैं ना, इतना वास्ट वैरायटी है, कितना काम है जो मेरे हस्बैंड करते हैं मैं नहीं करती, कितने काम है बैंक से रिलेटेड कोई काम होता है वो मैं करती मेरे हस्बैंड नहीं करते, हम दोनों जो काम नहीं करते वो तीसरा बंदा हम उनको आउटसोर्स कर देते हैं. मतलब सिर्फ एक ही फील्ड में, डॉक्टरों की फील्ड में, क्या डेंटिस्ट वो काम कर पाएगा जो हार्ट स्पेशलिस्ट करेगा? नहीं. हम हार्ट स्पेशलिस्ट का काम डेंटिस्ट से नहीं कर, डेंटिस्ट का काम उनसे नहीं करवा सकते. तो वैसे ही हर एक एरिया में यू नो एक स्पेशलाइजेशन लेके आने की ज़रूरत है. एंड सिर्फ गवर्नमेंट को कोसने से नहीं होता है, हर समय गवर्नमेंट इज़ देयर टू बूस्ट अस. एक बोलते हैं कि हाथ पकड़ के, माँ बाप क्या है ना, हाथ पकड़ के चलाते हैं 10 साल तक 8 साल तक चलाते हैं, उसके बाद उम्मीद होती है बच्चों में थोड़े से नखरे, हमको तो आता है. तो वही चीज़ है, बच्चा गवर्नमेंट जो है एक पेरेंट की तरह है, एक गाइडेंस की तरह है. तो आगे हम लोग को ना ये कोशिश ये करनी है कि हम लोग आगे बढ़े. तो गवर्नमेंट ने जैसे कहीं कहीं पर मुझे लगता है जैसे ये बजट फेल कर गया कि आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका ATC डिडक्शन ज़्यादा मिलेगा, 1.5 लाख से 3 लाख. आपको शायद मालूम होगा कि हमारे इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स जो हैं 2.5 लाख तक जीरो है, 2.5 लाख के 5% है. तो सबकी उम्मीद थी कि 5 लाख तक बढ़ा देंगे या 4 लाख तक बढ़ा देंगे, तो उतना 1.5 लाख जो है ना आपके हाथ में आ जाता है, आप स्पेंड कर पाते हो, बजट इनकम एंड एक्सपेंड वो स्पेंड कर पाते हो. वो नहीं हुआ, नो चेंज इन स्लैब रेट्स. फिर डिडक्शंस जो बोलते हैं ना, ATC डिडक्शंस की, आप PPF में डाल दो, LIC में डाल दो, यहाँ डाल दो, तो वो सेविंग्स हो रही है, सेविंग्स हो रही है फ्यूचर. आपने उस समय कहा था कोविड के टाइम में बहुत मुश्किल हुई थी, पीपल हैड टू कम बैक ऑन सेविंग्स किया हुआ, वो निकाल के काम में ले रहे थे. तो ये जो ATC का डिडक्शंस जो देती है 1.5 लाख का, अगर उसको इंक्रीज कर देती 3 लाख तक, तो क्या है ना, बहुत हद तक पीपल जो आम आदमी जिसको हम बोलते हैं, नॉट द हाई नेटवर्थ, नॉट द BPL क्लास के लिए भी वो काम नहीं है, बिकॉज BPL के तो पैसे ही नहीं है, तो वो इनकम अर्न करने का तो काम ही नहीं है, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो तो टैक्स देते ही नहीं है वैसे भी. बट द मिडिल क्लास जो आम आदमी है उनके लिए फ़ायदा हो जाता, यहाँ 1.5 लाख या 3 लाख उसके हाथ में आ जाते, बचाने के लिए भी और खर्च करने के लिए भी. तो सेविंग्स क्या होगा इसमें से, कुछ होगी? बहुत सेविंग्स होती है ना, आप ये समझ लीजिए, सपोज वो हम लोग जो 2.5 लाख से 5 लाख बोलते हैं, 2.5 लाख से 5, तो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम लगाती है. फिर ATC के अंतर्गत हम लोग को बहुत सारे रिडक्शंस के स्कीम्स मिलते हैं हम लोगों को. तो अगर हम सपोज LIC में, PPF में, या कुछ एक बॉन्ड्स हैं जिसके तहत, या म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें अगर हम पैसे डालते हैं, मैक्सिमम लिमिट अभी 1.5 लाख है. आप 500 से लेकर 1.5 लाख, मतलब 100 रुपये डाले करते हुए आप 1.5 लाख तक डालते हो, तो आपको ना वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होता है वो. ओके. तो आपने तो सेव कर लिया, और गवर्नमेंट बोलती है हम इसमें से आपका वो भी नहीं लेंगे, टैक्स भी नहीं लेंगे. फॉर एग्जांपल यू हैव 4 लाख रुपीज टैक्सेबल इनकम, ऐसे तो आपके 1.5 लाख पर पैसा लग जाता, 2.5 लाख तो आपका फ्री है, पर 1.5 लाख पर लग जाता. बट आपने क्या किया, आपने LIC ले ली, या फिर आपने PPF में डाल दिया. ओके. सिंस आपने PPF में डाल दिया 1.5 लाख, तो अब वो गवर्नमेंट क्या करेगी, 2.5 लाख तो आपकी नॉट टैक्सेबल है ही, प्लस 1.5 लाख ATC डिडक्शंस हो गई है, 4 लाख, तो आपको तो 0 टैक्स देना पड़ा, टैक्स ही नहीं देना पड़ा. तो
people wanted aam aadmi, I do not have to worry about my taxes. No, you do not have to worry if you agar, but then usme aur bhi bahut kuch hai, lekin ye to maine aapko layman just samjhane ke liye bataya. To people wanted ki sirf 2.5 lakh nahi, 2.5 lakh ki jo rate hai, जो स्लैब है, दैट शुड बी इंक्रीज टू 4 or 5 lakhs, ताकि 5 lakh तक मेरी इनकम हो तो मुझे चिंता की नहीं, मुझे टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. एंड उसके बाद वो जो 1.5 lakh वाली जो कट ऑफ है ना, कि 1.5 lakh के ऊपर सपोज मैंने 2 lakh डाल दिया PPF में, तो 1.5 lakh की मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, 50,000 पर तो मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा. तो मैं वो चाह रही थी कि नॉट ओनली मी, पीपल वॉन्टेड कि वो 80C का डिडक्शन जो लिमिट होता है वो 3 lakh हो जाए. तो मैं 3 lakh मैं आराम से मैंने सेविंग्स कर दिया, मैं खर्चा नहीं कर रही हूँ, PPF में मैंने डाल दिया तो वो सेव हो गया ना. सिंस वो सेव हो गया, जब मुझे चाहिए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी मैं विड्रॉ कर सकती, मेरा पैसा है. तो ये कोविड टाइम जो आया, कोविड टाइम ये इमरजेंसी तो था ना, इट वॉज अ नेशनल इमरजेंसी, इनफैक्ट इट वॉज एन इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल इमरजेंसी. तो इस समय एवरीबडी हैव टू फॉल बैक ऑन द सेविंग्स. तो आज वो बचा बचा के हम रखते हैं. तो ये आज मिडिल क्लास पर इतना जुल्म क्यों कि उन पर कोई टैक्स स्लैब कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना. बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मिडिल क्लास को, बट देन यू नो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं. इनफैक्ट और भी कई सोच रहे, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शंस के बाद कुछ होगा? इलेक्शंस के बाद तो उम्मीद नहीं है, बिकॉज अब ये तो निकल गया. अब नेक्स्ट ईयर वो जैसे कि ओपनिंग मैंने सेंटेंस आपको कहा फेथ, तो उन्होंने जो ओपनिंग सेंटेंस दी उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर फिर मिलते हैं, अगले साल तक फेथ रखिए. तो अगले साल तक वो बोलते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है. तो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है. तो मनीषा जी, और एक सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिसने अभी तक अब कुछ सोचा तो है, ऑब्वियसली आगे तो बढ़ना है लाइफ में, राइट? प्रोफेशनली आपका इनकम जनरेट करनी है, कहीं से तो घर में पैसा लाना हर किसी को. तो अगर कोई कोई सेक्टर पे या किसी चीज पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि मान लीजिए एक सिंपल सा कि कोई एक रेस्टोरेंट पे इन्वेस्ट करना चाहे, राइट, तो वो क्या करे? या नहीं, डेफिनेटली रेस्टोरेंट, देखिए लास्ट 6 to 8 months में तो रेस्टोरेंट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स. हाँ, इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट्स की बात कही, तो क्योंकि लास्ट ईयर इतना लॉसेस सफर किया है उन लोगों ने. तो क्या कोई अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो या वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करे कि हाँ वो आराम से, मतलब एटलीस्ट वो किसी, अगर फिर दोबारा से कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए या कुछ भी हो जाए, उनके हाथों में एटलीस्ट कुछ बैकअप तो है. बैकअप, आपने कहा अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, कोई स्टार्ट करना चाहता है अर्निंग, मोड ऑफ अर्निंग, तो होटल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इंडस्ट्रीज, बिकॉज सबको खाना पसंद है. वो बोलते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट की तरफ से होकर निकलता है. तो कहीं पर भी वैलेंटाइंस डे पर भी जाए तो बोलते हैं मैं तुमको डेट पर लेके जाता हूँ, खा जाते हैं, होटल ही जाते हैं, isn't it? तो चाहे वो कॉफ़ी ही लें, बट देन वो कॉफ़ी वहीं के लेते हैं, घर की कॉफ़ी नहीं करते, ठीक है ना. सो मेन क्या होता है ना, होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, एंड यू कैन डेफिनेटली अर्न टू मच, एंड गवर्नमेंट भी आपको इंसेंटिव देती है. ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इंसेंटिव नहीं देती है, उन्होंने किया है. इस बार के होटल स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, बिकॉज वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगी हुई है, स्टार्टअप सोलर एंड दिस एंड दैट उन पर है, होटल के लिए इन पर्टिकुलर नहीं है. बट होटल में करना चाहे तो वो डेफिनेटली कर सकता है. एंड इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, स्टार्टअप के सेक्टर में अगर सपोज ऑल वुमन टीम हो, फॉर एग्जाम्पल यू मी एंड वन मोर लेडी, हम 3 ladies मिलकर कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहें, एनी होटल हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी, सपोज कोई शॉप ही करना चाहें हम लोग, तो अगर हम कोई काम करते हैं पार्टनरशिप में ऑल वुमन, तो हम लोग को 25% हम लोग को कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 lakh रुपए, गवर्नमेंट देंगे 25,000 हमको देना था पहले, 75,000 हम लोग को बैंक से लोन मिल जाता. पर इस साल के बजट में ये अच्छा हुआ, 15,000 हम देंगे, 85,000 जो है ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब बैंक लोन हम लोग को मिल जाएगा इजीली, राइट? बैंक लोन हमें इजीली मिल जाएगा. तो अगर लोन की बात पे आते हैं कि जैसे मेरे दिमाग में ये सवाल बिल्कुल था कि हाँ अगर वुमन ओरिएंटेड जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइव्स हैं, जो उन लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प करेगी, और ये जो लोन की बात कही है, राइट, तो वो एक
एक अमाउंट दे रही है तो अप्रोच किस तरह से करें? ये आपको ना लोन, फॉर एग्जांपल सपोज कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस फॉर एग्जांपल अगर आप लेडीज की बात करें तो हम लोग कपड़े वगैरह सपोज घर में हम लोग सोचते घर में रहकर, तो घर में रहकर आपको सपोज कपड़े खरीदने हैं तो यू नीड अ कैपिटल, पर हमारे पास कितने पैसे? फॉर एग्जाम्पल यू मी एंड वन मोर लेडी, हम लोग तीनों करना चाहते हैं, सो मिनिमम 1 लाख तो हम लोग को स्टॉक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास मेरा अपना घर है, घर से हम काम स्टार्ट करेंगे तो हम बैंक के पास जाकर लोन ले सकते हैं। वी कैन गिव अ प्रोजेक्टेड बजट कि हम लोग ऐसे करेंगे, हमारे पास ये एसेट है, थोड़ा सा कुछ उनको मॉर्गेज जो देना पड़ता है वो स्टार्ट करके। तो जी तो ये मानते हैं कि अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ मगर मेरे पास कुछ ऐसा एसेट नहीं है कि मैं बैंक को जाके बता दूं कि ठीक है मैं ये मॉर्गेज करना चाहती हूँ, ये गिरवी रख के मैं अपना खुद का ये बिजनेस करना चाहती हूँ और इसके ऊपर ये मॉर्गेज करके, ठीक है, तो अगर मेरे पास वो भी नहीं है, जैसे अगर मेरे पास है या जैसे आम जनता के पास, जैसे जो बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है राइट, उनके पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो किस तरह से करें? नहीं, उनके लिए ही है ये जो 15,000 वाला जो मैंने कहा वो उनके लिए, वो 15% पहले ये था कि आप सिर्फ 25% लगाओ, हम तीनों को मिलकर 25% ही लगाना था और 75% जो है गवर्नमेंट मतलब बैंक लोन देती है हम लोग को एंड दैट टू नॉट रिक्वायरिंग एनी, आपको जरूरी नहीं है कि आपको अग्रीमेंट्स या फिर ना आपको गारंटी वारंटी देनी, वैसा कोई जरूरी नहीं था, दैट वॉज फॉर नॉर्मल। या मैंने एससी एसटी के लिए भी यही, जो वुमेन के लिए एप्लीकेबल है वो एससी एसटी के लिए, आपने कहा ना लोअर बीपीएल या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स ट्राइबल एरिया से कोई आ रहे हैं एंड दे कैन शो दैट दे आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तब सिर्फ 15,000 15% अब देना है आपको टोटल आपका आउटले का। अगर आप 1,00,000 रुपये खर्चा करना चाहते हैं उस स्टॉक पर तो 15,000 रुपये आप अपना पर्सनल दीजिए, 85,000 रुपये आपको बैंक लोन देगी एंड दैट टू विदाउट मच पेपर्स, नथिंग इज रिक्वायर्ड जो बैंक का। बट अगर आप इफ़ यू आर नॉट द वुमेन एंड यू आर नॉट फ्रॉम एससी एसटी कोई और है तब आपको बैंक पेपर्स एंड आपको जो अगर बैंक जो अगर ठीक है एससी को मिल जाता है एसटी को मिल जाता है एंड वुमेन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये अपना बजट पेश कर दिया है राइट, तो आम आदमी कहाँ पे जाए कि अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं है तो या वो एक साल और इंतज़ार करे कि गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प करती है, या हम देखते रहिए कि इकोनॉमी कैसे बढ़े। बताइए, आप एक बात बताइए, 2014 से मोदी गवर्नमेंट है, देखिए बात है, सो 2014 से अब 2021 ऑलमोस्ट 7 ईयर्स ओवर हो चुके हैं, 5 साल तक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी, ठीक है बहुत हद तक मालूम पड़ा कि आउटटर्न भी हुआ है, देयर हैज बीन पैराडाइम शिफ्ट इन द इकोनॉमी, बहुत बोल्ड डिसीजंस भी लिए हैं मोदी गवर्नमेंट, वेरी बोल्ड डिसीजंस जो कि कोई और गवर्नमेंट नहीं ले पाई, डीमोनेटाइजेशन बींग वन, उसके बाद में ये भी आया जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल जो 370 वो हटा, सो ऑल दीज आर बोल्ड मूव which cannot be taken by any weaker government. Right. See, कोई भी weak government नहीं ले सकती है ये. Only a government which has strong motives, only that government. And कहीं ना कहीं अगर हम अपनी personal vendetta से उठ जाए ना आगे तो national interest में अच्छा था, ठीक है, वो कितना success हुआ नहीं हुआ that is a different thing. Budget is something ये we are not any person to say कि वो कितनी अच्छी है नहीं है, but हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि next year शायद और अच्छा आएगा, शायद और अच्छा आएगा, क्योंकि हो सकता है सम पीपल हु मे हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन आर एफएम और द एफएम में चेंज, तो मे बी वी माइट गेट वेरी गुड टैक्स बजट्स, यू नो फॉर एग्जांपल अरुण जेटली वी यूज्ड टू हैव गुड वंस एग्जैक्टली एंड इवन ड्यूरिंग मनमोहन सिंह, देखो वी शुड गो अबव एनी पॉलिटिक्स एनी पार्टीज, बट मनमोहन सिंह वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट एंड उन्होंने अच्छे बजट्स दिए थे एंड उनके थॉट्स भी बहुत अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं वी कैन से यू नो पॉलिटाइजिंग पॉलिटिक्स हर जगह चलती ही है, जो चीज़ कांग्रेस सरकार ने एट द टाइम ऑफ कैंपेनिंग इलेक्शंस, जब इलेक्शंस 2019 में होने वाले थे उनकी मेमोरेंडम में था कि हम ये करेंगे, वो हार गई, बीजेपी वापस आ गई,
बीजेपी सेम चीज कर रही है, उनके में मेमोरेंडम में भी यही था कि हम ये करेंगे, जब वो करती है तो कांग्रेस उसको अपोज करती है कि आपने, जबकि उन्होंने काम है ना, उनका काम ही अपोज कर, जबकि वो सही होगा, जबकि वो सही होगा। तो अब ये बजट में भी वही बात है कि कुछ चीजें जो अच्छी हैं वो तो अच्छी हैं, ठीक है, जैसे कि वेलकम मूव था, कई चीजें अच्छी भी हैं, तो जो चीजें अच्छी हैं उनके लिए तो हमने, बट हाँ, उम्मीद के बहुत नीचे है ये बजट, जो होना चाहिए उसके बहुत नीचे है, बहुत और अच्छा आ सकता था इस बजट से। तो ये अब वो बोलते थे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं तो यही कहूँगी मैं, तो ये बजट और ये कि जो हमारे यूथ्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा स्कीम है कि वो खुद क्या कुछ करे, जिसे यूथ है तो इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड जिसे वो बोलते हैं ना गिग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, तो गिग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल बनाने की सोचे हैं, लॉन्चिंग करेंगे पोर्टल के बारे में। सो उसमें गिग वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सबका डेटा रहेगा, तो उसमें उनको ये भी दिया गया कि उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको दे, पर ये सब मोडालिटीज़ है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि कैसे, पोर्टल भी लॉन्च होने वाला है, हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए, आज कोई भी आदमी ना सिर्फ ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया है, मैं आज ना कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, मुझे अब गवर्नमेंट नौकरी देगी, गवर्नमेंट का काम है नौकरी देना, इस चीज़ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, नेवर। हम काम से, हमने पढ़ाई की, हमने सीखा है, अब हम ऐसा काम करें जिससे हम आत्मनिर्भर हों, और मे बी गवर्नमेंट बोले अरे ये काम इतना अच्छा करता है इसको लेके तो हमें फ़ायदा है, हम गवर्नमेंट को ये क्यों बोले कि आप हमको लीजिए, आप हमको लीजिए, इजंट इट। तो गवर्नमेंट और ऐसा, जैसे कि मैं आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय अंबानी जी ऑल्सो, नॉट मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी। तो अगर हमें मालूम हो, धीरू भाई अंबानी ही वॉज जस्ट पेट्रोल पम्प सेल्समैन, पेट्रोलियम से सेल्समैन, एंड आज पेट्रोल पम्प उनके पास, पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्हीं की खड़ी की हुई है देखा जाए तो। तो वो क्या सोच हमेशा बड़ी रखते थे, वो बोलते थे सोच हमेशा बड़ी रखो, बड़ा सोचो और पहले सोचो, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं है। तो मैं आज के यूथ को भी ना हमेशा ये बोलती हूँ कि आप ना सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर मत रहो, अपना सोचो, यू नो, अपना आउटलुक सिर्फ पढ़ाई पर बेस्ड नहीं है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, नेपाली मीडियम हो, मीडियम से मतलब नहीं रखता, आपका इंटेलेक्ट जो है कोई भी भाषा का वो गुलाम नहीं है, इंटेलिजेंस जो है, तो आप में जो हुनर है वो हुनर बाहर निकाल के लाइए, हम लोग इतना आगे बढ़ सकेंगे, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी गवर्नमेंट FDI, यू नो, 49% से 74% पर FDI पर उन्होंने छूट दे दी है, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बाहर से लेते हैं कहीं ना कहीं हम उन पर निर्भर हो जाएंगे, वो तो गुलामी की तरफ जाने का हो गया ना, वो तो अल्टीमेटली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर 74% हो जाती है, देन वेयर आर वी, हम तो वही आत्मनिर्भर, वो भी जो है हमारे ले रहे, वो मैं आप सब बंधक बन जाएंगे इन ड्यू कोर्स, जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जी, तो व्हाट इज द नीड जब हम खुद अपना सब कुछ बना सकते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट पे क्यों निर्भर करें। बजट बहुत जरूरी है, बजट, क्योंकि ओवरऑल बजटिंग इज इम्पोर्टेंट, पर बजट के अलावा अगर हम बार बार बोलते हैं ना यूथ के लिए क्या, अब टाइम आ गया है, यूथ शुड डिपेंड, शुड बी कि हम गवर्नमेंट को देंगे ना कि गवर्नमेंट मेरे को देगी, मुझे ये लगता है सब यूथ में, सब में ये आ जाए ना कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तब गवर्नमेंट बोलेगी हाँ नाउ आई एम हैविंग सरप्लस, वो डेफिसिट में जा ही नहीं सकती, पर जब तक हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, हम कभी भी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। ओके, आम जनता के लिए इस बजट में व्हाट आई फेल्ट इज कि आप शांति से अपना जो काम है वो अच्छे से अपना आगे बढ़ाएं, और सेविंग्स का जो मौका है, सेविंग्स का मौका कभी ना छोड़ें, अपने चादर के हिसाब से ही अपने खर्चा करें, जितनी अपनी चादर, आजकल का ज़माना आ गया है होम लोन, व्हीकल लोन, ये लोन, वो लोन, हाउसिंग लोन, बहुत सारे लोन का ज़माना आ गया, आपके पास बैंक से फ़ोन आते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है मैम, ये मैम अवेलेबल है, व्हीकल लोन अवेलेबल है, प्लीज़ इन सब लोन्स के चक्कर में मत पड़िए, सब का EMI जो इंटरेस्ट, वो बोलते हैं सब कुछ फ्री है, फ्री है, फ्री है, ये फ्री के अंदर में जो पीछे में जितना घुसा हुआ है, जितना छुपा हुआ है हम नहीं समझ सकते हैं, तो उतना ही खर्चा करिए जितनी आपकी चादर हो, खर्चा उतना करिए जितने का, तो ये बजट जो है उसी पर है, आमदनी आपकी अगर 98 है
और खर्चा रुपया होगा तो आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो मैं आम जनता से सिर्फ यही अपील करूंगी कि आप सेविंग्स पर ध्यान रखिए, ताकि जो कोविड पैंडेमिक के टाइम पर जो प्रॉब्लम आई वो सबको फेस ना करे, ताकि हम सब अपने सेविंग्स पर रोल ऑन कर पाए। ठीक है, थैंक यू मनीषा जी आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग SK लाइव। हम आप लोगों के लिए आते हैं, रहेंगे इस तरह के कई प्रोग्राम्स लेके जो आपके हित के लिए है, और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड, कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो, र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो, अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।